कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या केजरीवाल को तोड़ दे। अभी मैं लाल किले से भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो कह रहे थे कि अब हम हजार साल आगे का एक वो नींव रख रहे हैं कुछ, भैया हजार साल ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, हजार साल की नींव रख रहे हैं। तो हजार साल का अगर मॉडल यही है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, 32 गवर्नर होंगे और वो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के और उन 32 गवर्नर के जरिए पूरा देश चलाएगा, तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 1000 साल तो क्या, 5 साल भी आपका ये मॉडल, 140 करोड़ लोग मिलके इस मॉडल को चलने नहीं देंगे आपका। हमने आजादी केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं पाई थी, इस देश के लोग सरकार चुनेंगे, आप उस अधिकार को छीन नहीं सकते, आप जनतंत्र को कुचल नहीं सकते। केंद्र में भी सरकार लोग बनाएंगे, राज्य में भी सरकार लोग बनाएंगे, पंचायत में भी सरकार लोग बनाएंगे और म्युनिसिपैलिटी में भी सरकार लोग बनाएंगे। आप अगर सोचो कि आप प्रधानमंत्री बनके और गवर्नरों के जरिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए पूरा देश चलाओगे तो 140 करोड़ लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा। हजार साल तो क्या, 5 साल भी आपका ये मॉडल नहीं चलने वाला। और मेरा दिल कहता है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी हार रही है और ये वाला चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने का मुद्दे के ऊपर ये वाला चुनाव है।